हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा टॉपिक चल रहा है एक्टिव पैसिव बॉयज़ का, और जहाँ तक मैंने टॉपिक कराया है उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेरीज थी आपकी, वो मैंने क्लियर कर दी है, मैंने आपको रिप्लाई भेज दिया है, उसको आप देख लें। ज़्यादा बड़ी क्वेरीज ऐसी नहीं थी आप लोगों की, सिंपल वे में था मामला, तो मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी आपके मन में कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर लिखें, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा। अभी जनरल एक्टिव पैसिव हमारे चल रहे हैं, शायद आपने इससे पहले इस तरीके के एक्टिव पैसिव शायद पढ़ लिए हों। अभी जब मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा तो कुछ अलग चीज़ें आपके सामने आएंगी एक्टिव पैसिव में, जो आपने शायद मे बी हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हों, तो आप समझते चलना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अभी आपको बिल्कुल जनरल पैटर्न में चल रहे हैं अपन। जब थोड़ा सा अपन अप में जाएंगे तब आपको कुछ अलग चीज़ नज़र इसके अंदर आएगी। तब तक अपन चलते हैं जनरल वे में, उसके बाद देखते हैं स्टेप बाई स्टेप कहाँ तक अपन लेके चलते हैं इस टॉपिक को, कहाँ तक अपन पहुँचेंगे, कितना एक्स्ट्रा नॉलेज हमें इसके बारे में प्राप्त होगी या मिलेगी। तो देखें ज़रा, मैंने लिख दिया है, एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है जिसको आप पढ़ते चले आ रहे हैं। बिल्कुल जनरल वे में अपन बात कर रहे हैं कि पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इंपेरेटिव सेंटेंसेज का यदि हमें पैसिव बनाना है तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते कौन कौन से हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पहले ही मैंने बता दिया था कि जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर आ जाए, कमांड आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, एडवाइस आ जाए, सजेशन आ जाए, तो वो सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कितने होते हैं, किस तरीके से होते हैं, जनरल वे में अपन लेके चले बिल्कुल इनको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखें ज़रा ध्यान से, यहाँ पर जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करना कि पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। अब कौन कौन से सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो इंपेरेटिव में आते हैं, वो किस तरीके से उनका पैसिव बनाना है, उसको आप जरा समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। तो सबसे पहला पैटर्न कहता है इसका कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर कमांड का भाव व्यक्त हो, ऑर्डर कमांड का भाव व्यक्त हो तो उसका पैसिव, ये पैटर्न है इसका। इसको मैं यदि लिखूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं पैटर्न। तो इसका पैटर्न कहता है कि आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। क्या कैसे बनाओगे, लेट से स्टार्ट करना है, लेट के बाद मेन वर्ड आना चाहिए, बी आना चाहिए, MB3 प्लस अदर वर्ड्स इसमें आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल की बात करें तो मैंने देखो सबसे पहले यहाँ लिख दिया है कि ये सेंटेंसेस, जनरली ये सेंटेंसेज जो होते हैं ये या तो MB1 से स्टार्ट होते हैं या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक नई चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा अभी आगे सेकेंड रूल के बाद, एक और क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या मतलब हम कहाँ पर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेट प्लस मेन वर्ड प्लस बी प्लस MB3 प्लस अदर वर्ड्स, ये तो हो गया इसका पहला पैटर्न, ठीक है, जिससे आपको बनाना है। जैसे जनरल वे में हम लेके चले, ओपन द विंडो, सामने वाले को आपने एक ऑर्डर दिया, ओपन द विंडो, कमांड का मतलब एक आदेशात्मक, एक आदेश टाइप का होता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बहुत इंटेंस कमांड हो, केवल हम जनरल वे में कह देते हैं शट द डोर, ओपन द विंडो, स्विच ऑन द लाइट, ठीक है ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है, ये जनरल वे में हम ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो देखें यहाँ पर ओपन द विंडो, आपने बोला जनरल वे में ओपन द विंडो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं लेट से स्टार्ट करूंगा, मेन वर्ड का क्या मतलब हुआ, द विंडो, ये क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये है आपका मेन वर्ड, ठीक है, मेन वर्ड ये यहाँ पर लिखा है मैंने मेन वर्ड। तो लेट द विंडो, फिर यहां पर बी लगाया प्लस MB3, लेट द विंडो बी ओपनड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर बाई का प्रयोग हो जाता है क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यदि यहां पर कोई दे रखा हो, यदि कोई दे रखा हो, जैसे विंडो अपने आप तो खुलेगी नहीं, विंडो अपने आप खुल जाएगी क्या, विंडो अपने आप नहीं खुलती है, किसी के द्वारा उसको खोला जाएगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बाई प्लस कोई ना कोई उसके अंदर ऑब्जेक्ट जरूर होगा, क्या हो सकता है, लेट द विंडो बी ओपनड बाय यू, तुम्हारे द्वारा इस खिड़की को खोल दिया जाए। देखिए हिडन होता है, वो छिपा रहता है, इसी से सेंटेंस हमारी समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्डर कमांड वाला मामला है, तो हम जल्दी से समझ जाते हैं इसको कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है। डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट मत कीजिए क्या, इंसल्ट, बेइज्जती मत कीजिए, द पुअर गरीब लोगों की बेइज्जती मत कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डोंट से स्टार्ट हुआ है, मैंने लिख दिया MB1 या डोंट से सेंटेंस शुरू हो जाता है।
तो डोंट इंसल्ट द पुअर, तो क्या हो जाएगा, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। यहां पर आप देख रहे हैं कि देखिए लेट अपने आप में वर्ब होती है, लेट अपने आप में वर्ब होती है, ओपन अपने आप में वर्ब होती है, लेकिन यहां पर लेट लेट की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहां पर MB3 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी ओपन। जनरल वे में लेके चल रहे हैं अपन, बिल्कुल लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, बिल्कुल जनरल ही उसमें समझना है आपको, फिर अपर वर्जन जो होगा उसको अपन आगे देखेंगे कि अपर वर्जन इसका क्या होता है। यहां पर आपने देखा इस तरीके से, अब मैंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट लिख दिया है कि टेल हर टू रीड द गीता, टू देखिए यहां पर जैसे ही टू रीड आया तो हम किस में चले गए, इन्फिनेटिव में आ गए हम, ठीक है, इन्फिनेटिव में आ गए, लेकिन स्टार्ट किससे हुआ है, ये MB1 से, ये क्या है यहां पर MB1, जब MB1 आ गई तो यहां पर क्या है इन्फिनेटिव आ गया, तो MB1 जब इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इस तरीके का कोई सेंटेंस आ जाए तो स्टूडेंट्स थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कैसे बनाएं इसको, थोड़ा सा उलझ जाते हैं। आपको बिल्कुल जनरली उसमें सोचना है कि देखिए जब MB1 से स्टार्ट हुआ है तो रूल कौन सा, रूल आपका कौन सा फॉलो होगा, ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है, लेट वाला ही आपको फॉलो करना है, तो क्या हो जाएगा, लेट हर, लेट तो क्या हो जाएगा, लेट हर क्या है मेन वर्ड, तो लेट हर बी टोल्ड, टेल का क्या हो जाएगा बी टोल्ड, लेट हर बी टोल्ड टू रीड सेपरेट रहेगा, टू रीड सेपरेट रहेगा, लेट हर बी टोल्ड टू रीड द गीता। ढंग से समझ लें, इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इसके कंसेप्ट को समझें आप, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझ लें जरा, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर है, ये टेल आ गया और यहाँ पर फिर दोबारा से क्या है रीड, एक और वर्ब आई है, लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पर 2+MB1 है, 2+MB1 चला जाता है इन्फिनेटिव में, तो स्टूडेंट बहुत सी जो सोचते हैं टू बी रीड आ जाए, टू बी रेड करें उसको, टू बी रेड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है रेड बोल देते हैं, होती RED है, तो दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, लेकिन इन्फिनेटिव का रूल हम क्यों फॉलो नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा सेंटेंस टेल से शुरू हुआ है और टेल MB1 होती है और MB1 से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस किस में जाता है सीधा, वो चला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में, इसलिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, हमें ये वाला रूल फॉलो करना है और पैटर्न हमारा कौन सा होगा लेट वाला, तो लेट का पैटर्न फॉलो करेंगे तो लेट प्लस मेन वर्ड कौन सा है हर, लेट हर बी, ठीक है, तो टेल का क्या हो जाएगा टोल्ड, लेट हर बी टोल्ड टू रीड द गीता, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैं सेकेंड रूल पर आ रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझना कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि देखिए ज़रा ध्यान से शॉर्ट में लिखूंगा, यदि किसी सेंटेंस में यहां पर आप ध्यान देंगे जरा, यदि किसी सेंटेंस में एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है सलाह, क्योंकि ADVICE मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी आप देख लें जरा, ADVICE का मतलब होता है सलाह और ये क्या होता है अपने आप में नाउन, लेकिन यदि आपको वर्ब बनाना हो तो क्या हो जाएगा ADVISE, इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे, ADVICE नाउन होता है एडवाइस सलाह और ADVISE क्या हो जाता है सलाह देना, तो यहां पर क्या लिखा है मैंने यहां पर एडवाइस, तो यदि किसी सेंटेंस में एडवाइस का भाव व्यक्त हो जाए तो जब हम उसको बनाएंगे सेंटेंस को तो हमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना है, वो पैटर्न क्या होगा उसको आप ध्यान रखेंगे कि एडवाइस जो होता है एडवाइस का भाव व्यक्त करता है, एक मॉडल है हमारे पास शुड, शुड में हमेशा एडवाइस का भाव व्यक्त होता है, जैसे आप कहें किसी से कि यू आर इल, आप बीमार हैं, यू शुड टेक मेडिसिन, ठीक है ना, यू आर वीक, आप कमजोर हैं, यू शुड टेक हेल्दियर फूड, आपको आप कमजोर हैं आपको क्या खाना चाहिए, जो हेल्थ को अच्छा करने वाला जो फूड होता है, आपको न्यूट्रिशियस फूड जो होता है वो आपको खाना चाहिए, तो जब कभी हम एडवाइस देते हैं तो हमें कौन सा मॉडल यूज करना होता है शुड। देखिए मस्ट हम यूज कब करेंगे, एक कन्फ्यूजन भी हो जाता है इसमें भी, बच्चे पूछते हैं मस्ट क्यों नहीं यूज करें, देखिए मस्ट का यूज जब होता है जब हम ब्लड रिलेशन में बात कर रहे हैं, यानी कि आप अपने छोटे भाई से या अपने घर में फादर से मदर से सिस्टर से या सिस्टर अपने भाई से मम्मी पापा से, वो फोर्सफुली कह सकते हैं हम एक दूसरे से नहीं नहीं ऐसा ही करना दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने मित्र से
अपने सगे संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से, तो आप उनसे फोर्सफुली इस बात को नहीं कह सकते। इसलिए हम क्या लगाते हैं हमेशा एडवाइस में, शुड का ही यूज करते हैं, मस्ट का यूज नहीं करते। मस्ट में कंपल्सन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाध्यता हो जाती है, हैवी कंपल्सन जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कंपल्सन हो जाता है, तो इसलिए हम उसका यूज जनरली ब्लड रिलेशंस में हम करते हैं। और बिल्कुल उसमें नॉर्मल वे में भी बात करनी है तो हम किसका यूज कर देंगे, शुड। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यदि सेंटेंस में एडवाइस का भाव व्यक्त हो जाए, एडवाइस का भाव व्यक्त हो जाए तो हमें किसका यूज करना है, तो उस स्थिति में हमें सेंटेंस में किसका यूज करना पड़ेगा, शुड का यूज करना है। तो आप यहाँ पर देखें जरा, एडवाइस का भाव व्यक्त हो तो हमें, यदि सेंटेंस में एडवाइस का भाव व्यक्त हो तो क्या करना है, तो आपका जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, पैटर्न को देखें जरा, वो पैटर्न आपका चेंज होगा थोड़ा सा, वो पैटर्न हो जाएगा आपका मेन वर्ड निकालेंगे आप, शुड लगाएंगे, बी लगाएंगे और MB3 का यूज कर देंगे। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। एग्जांपल के लिए अपन देखें, जनरल वे में हम बात करेंगे, एग्जांपल देखें जरा इसका। जैसे आपने कहा किसी से, हेल्प द हेल्पलेस, आपने किसी से कहा लव योर कंट्री, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखिए जरा, डोंट इंसल्ट द पुअर। यहां पर जैसे मैंने ये लिखा, हर स्टूडेंट के मन में एक बात आती है, सर आपने यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, दोनों में अंतर क्या है, इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर, जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। मैंने क्यों लिखा है इसको, देखे जरा आप समझना इसको, कि यहां पर मैंने लिखा है कि मेन वर्ड आ जाए, मेन वर्ड के बाद शुड आ जाए, बी आ जाए, प्लस MB3 आ जाए, ठीक है। तो अपन कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, उसको जरा आप ध्यान से समझना, कि मेन वर्ड द हेल्पलेस, तो अपन क्या करेंगे, नंबर वन द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। यहां पर देखें, योर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक है। यहां पर देखें, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। अब नियम क्या कहता है कि ये पहला भी है और ये दूसरा भी है, इन दोनों में हमें ये देखना है कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें हम लेट से बना दें क्या, बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। हमें केवल किसका ध्यान रखना है, केवल हमें ध्यान रखना है यहाँ दोनों के अंदर किसका ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है भाव। ये आपको एक शब्द याद रखना है, भाव। यदि सेंटेंस ये आ जाए, सेंटेंस इस तरीके से आ जाए, अब आपको केवल भाव भाव देखना है सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। देखिए, ओपन द विंडो, डोंट इंसल्ट द पुअर, अब दोनों में बड़ा अंतर है। ओपन द विंडो आप एडवाइस नहीं दे रहे किसी को, आप केवल एक तरीके से कह रहे हैं दरवाजा खोल दीजिए, तो हल्का सा उसमें ऑर्डर और कमांड का भाव व्यक्त हो रहा है। लेकिन डोंट इंसल्ट द पुअर में भाव ऑर्डर का भी है हल्का सा, तो ऑर्डर किसका, एडवाइस का भी है कि भाई गरीब जो पुअर गरीब लोग होते हैं उनकी आप इंसल्ट ना करें, ठीक है, एक एडवाइस देता है आदमी। हेल्प द हेल्पलेस, इसमें कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है क्या, लव योर कंट्री में ऑर्डर दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, इसमें केवल और केवल वो एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने देश को प्यार करें, ठीक है, गरीबों ये अपना जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करें, तो एक तरीके से एडवाइस का भाव व्यक्त हो रहा है। तो एडवाइस का भाव जब व्यक्त होता है तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सप्रेशन,
इसमें एक्सप्रेशन मैंने यहां भी लिख दिया डोंट, कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस की नेचर देख ले आप नेचर के अकॉर्डिंग ही उसको पैटर्न उसमें अंदर फॉलो करें। ऐसा नहीं है आप इसको सेंटेंस को देखो, मैंने इसको ऐसे भी बना दिया, मैंने इसको ऐसे भी बना दिया, कहीं किसी भी जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है तो वो किसका ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन का, ठीक है, उसको आप फॉलो करेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई वो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ लेना। मैं आप जब तक आगे चलता हूँ, आगे देखें ज़रा रूल थर्ड, देखना ज़रा ध्यान से। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग हो जाए तो क्या करना है आपको, जैसे ही दो शब्द आपको नजर आए, प्लीज दिख जाए, काइंडली दिख जाए, आप तुरंत किस में आओगे, अच्छी तरह पता है कि प्लीज और काइंडली शब्द का जब यूज किया जाता है तो हमें एक भाव व्यक्त होता है, वो भाव होता है किसका, रिक्वेस्ट का, ठीक है। रिक्वेस्ट का जब भाव व्यक्त हो तो आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सेंटेंस देखें जरा, एक सेंटेंस इधर साइड में लिख देते हैं आपके लिए जिससे आपको पता पड़ जाए इस तरीके का वो, तो रिक्वेस्ट हो गई। रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा ठीक है, आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, कैसे करोगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से रिक्वेस्ट का आप प्लीज रख गया, अब आप इस पर मत जाइए ब्रिंग मी, ब्रिंग पर मत जाइए, ब्रिंग से पहले किस पर जाइए आप, प्लीज पर। प्लीज और काइंडली का जैसे ही आप सेंटेंस में आप देखेंगे इसका यूज है, आप तुरंत किस पे आइए, रिक्वेस्ट पर, कि रिक्वेस्ट कर रहा है दोनों से। और रिक्वेस्ट को जब हम चेंज करते हैं तो इसका पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, मैं यहाँ पर लिख दूँ सेंटेंस की स्टार्टिंग, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस एम बी वन से, इसको आपको पैटर्न से आपको इसको फॉलो करना है। और बाकी जो भी सेंटेंस में दिया गया है, अदर वर्ड्स जो भी दे रखे हैं, वो आपको इसके अंदर नोट कर देने हैं, सीधा सीधा आपका बन जाएगा। आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट रहेगा प्लीज और काइंडली, प्लीज काइंडली देखते ही आप फिर किसी पैटर्न को फॉलो ना करें, आप सीधा किस पे आ जाएं, यू आर रिक्वेस्टेड पर आ जाएं, और उसके बाद एम बी वन लगा के पूरे सेंटेंस को आगे आगे उसको उतार दें। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आता हूँ रूल नंबर 4 पर। देखिए, जब मैंने पहला वाला आपको रूल कराया, नियम बताया, तो आपने सेंटेंस को एम बी वन का जो सेंटेंस था उसको लेट से आपने बनाया। अब इसकी एक और ख़ास बात देखें, कभी कभार क्या होता है, सेंटेंस इसमें लेट से ही स्टार्ट हो जाता है, लेट से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी सेंटेंस आएगा वो आपके उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो लेट से ही मिलेगी आपको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखें ज़रा ध्यान से, देखो ज़रा एग्जाम्पल है आपका, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, लेट मी डू दिस वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप एक खास बात देखें ज़रा, एक चीज़ आपको नज़र आएगी,
उसको आप पहले अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। देखो ये लेट है, ठीक है, यहाँ लेट से स्टार्ट हुआ। लेट अपने आप में वर्ब होती है, आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ पर आ जाइए ज़रा, देखिए मी क्या होता है, आईओ, और दिस वर्क क्या हो जाता है, डी ओ। ठीक है, आईओ का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डी ओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस टॉपिक को मैं पहले जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। यदि आपको जानकारी लेनी हो तो पुराने जो वीडियोज़ मेरे हैं उनमें आप देखेंगे, एक टॉपिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है जिसमें मैंने बेसिक जो मैंने कराया था, बेसिक ऑफ ग्रामर कराया था, उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को अलग से समझाया था पूरा। वो केवल ऑब्जेक्ट बेस्ड था पूरा टॉपिक, उसमें आप जाकर इसको चेक कर लें एक बार। वैसे मैं बता दूं कि जो पर्सन्स होते हैं वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में की कैटेगरी में चले जाते हैं, और जो थिंग्स होती हैं वो चली जाती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में। बस जनरल वे में मैंने बताया था, जितनी आपको ज़रूरत है उतना मैंने उसमें समझा रखा है। इसका पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न आपके सामने, लेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बी, MB3 और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम किस तरीके से इसको बनाएंगे, इसको फॉलो करें अपन, तो देखें जरा कैसे बनेगा, ध्यान से देखें। नंबर वन, लेट का लेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेट सबसे पहले क्या आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो ये रहा डू, देखो ये रहा दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क, बी लगा दें, देखें जरा, लेट दिस वर्क बी डन हो गया। आगे क्या लगाना है, क्या लगाना है, डन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय मी। यहां पर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको आपको कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना। इसको थोड़ा सा करेक्शन है, मुझे ध्यान नहीं रहा, उसको आप नोट कर लें, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। आगे देखें जरा, लेट अ सॉन्ग, ठीक है, लेट अ सॉन्ग, यहां पर आ जाइए जरा, बी संग बाय हर, ठीक है ना, संग बाय हर। एक और देखें, लेट मी डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर be discussed by me। देखिए यहाँ पर मैंने चार रूल बताएं और आपको अलग अलग लिख दिया है। इसका लास्ट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। ये तो बिल्कुल जनरल वे में मैंने बता दिया है, अब आपको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, पैटर्न आपको ये फॉलो कर देना है जिससे आपको आसानी हो जाएगी। पांचवें नंबर पे मैं आ रहा हूं, उसको समझ लेना जरा ध्यान से। इंपॉर्टेंट है, यदि सेंटेंस लेट से शुरू हो और उसमें, इंपॉर्टेंट है, सजेशन का भाव व्यक्त हो जाए, सजेशन का मतलब हो जाता है सुझाव, का भाव व्यक्त हो तो उसका पैसिव, ध्यान देना जरा, यू आर सजेस्टेड से बनाया जाता है, ठीक है,
इससे पहले हमने रिक्वेस्टेड से यू बनाया था और सजेशन का भाव व्यक्त हो जाए तो हमें किससे बना देना है, यू आर सजेस्टेड से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे लेट्स या लेटस प्ले एक सजेशन है, चलो खेलें, लेट्स लेटस प्ले, चलो खेलें। अब इस तरीके का जब भाव आ जाए आपके सामने तो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि एक सजेशन का भाव है। यहाँ पर इसको आप नोट करेंगे, देखो ये आपका यहाँ पर आ गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको आप नोट कर लेना। तो और ये पैटर्न क्या कहेगा, यू आर सजेस्टेड से आपको फॉलो करना है। तो सेंटेंस में चाहे कुछ भी आए आपको क्या करना है, यू आर सजेस्टेड टू प्ले, और कुछ नहीं करना, यू आर सजेस्टेड टू प्ले, कोई सा भी आ सकता है। प्ले के बाद और भी आगे आ सकता था, लेट अस प्ले टुगेदर, ये भी आ सकता था, लेट अस प्ले टुगेदर, तो आप लगा सकते हैं यू आर सजेस्टेड टू प्ले टुगेदर। तो कहीं ऐसी कोई वो नहीं है, सेंटेंसेस बहुत हैं आपके सामने, मैंने तो केवल एग्जांपल्स दिए हैं। जब हम आपकी इसकी जो एक्सरसाइज कराएंगे उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आएंगे आपके सामने। अभी तो और अभी आपका टॉपिक है अभी आगे, जब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें वो टॉपिक करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप मेरी नोट कर लीजिए, आज ही नोट कर लीजिए कि मैं आपको आगे पॉजिटिव का पैसिव बनवाऊंगा, पॉजिटिव वर्ब्स का पैसिव बनवाऊंगा जो पहली बार आप पढ़ेंगे। इससे पहले आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा और ना आप पढ़ पाएंगे आगे, जब तक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन मैं आपको, मैंने पहले कह दिया था कुछ हटके मैं आपको करवाऊंगा। तो पॉजिटिव वर्ब्स के जब हम पैसिव बनाएंगे तो उनको पढ़ने से पहले अगले वीडियो लेक्चर में मेरा उससे, जब मैं उसका पैसिव बनवाऊँ उससे पहले उस टॉपिक को आप, पॉजिटिव वर्ब्स वाले टॉपिक को आप ढंग से पहले ही पढ़ के चलें, जिससे आपको जब मैं पैसिव बनवाऊँ तो आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर इतना ही मेरा, ये जो मेरा इम्पेरेटिव वाला जो पार्ट था वो मेरा यहाँ कंप्लीट होता है, और इससे ज़्यादा आपके ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल वे में चलना है आपको। ज़्यादा मैं किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल जनरल वे में लेके चल रहे हैं। आपका 10th स्टैंडर्ड है, यही आपका, यही आपकी डिमांड है। लेकिन हाँ, आगे जो मेरे अगले वीडियो लेक्चर्स जो भी आप देखेंगे आगे आने वाले हैं एक्टिव पैसिव बेस्ड, उसमें थोड़ा सा हटके कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा, ठीक है ना। अभी 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, अगले वीडियो लेक्चर्स में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे कि जो जीरंड बेस होते हैं उसके पैसे आपको कैसे बनाने हैं, या आपको इन्फिनेटिव बेस्ड कैसे बनाने हैं, या फिर आपको पॉजिटिव बेस्ड कैसे बनाने हैं, ये अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन सब चीज़ों को बताऊंगा। इनको आप अपने उसमें नोट डाउन करके चलें। इसका पैटर्न यही है, लेटर्स के लिए अभी कुछ भी आता चला जाए आगे, लेट्स सिंग आ जाए, लेट्स कुछ भी आ जाए, आपको केवल पैटर्न क्या फॉलो कर देना है, सजेशन का भाव जहाँ व्यक्त हो जाए आपको केवल और केवल उसमें यू आर सजेस्टेड का प्रयोग कर देना है। आप ये मत देखना यहाँ अस आ रहा है, ये तो फिक्स, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से क्या करना है, यू आर सजेस्टेड टू प्ले इसको कर देना है। तो यहाँ पर मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछें, उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। और मेरे वीडियो लेक्चर्स को लगातार आप देखते चलें, जिससे, और पुराने वीडियो लेक्चर्स को देखना ना भूलें, नहीं देखोगे तो कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे जो आगे आने वाली हैं उनको आप भूल जाओगे। जैसे पॉजिटिव वर्ब्स, फिर कह रहा हूँ दोबारा से, उसको आप ज़रूर एक बार समझ लेना, पढ़ लेना, जिससे आपको आसानी हो जाए। पढ़ते चलें, घर पर रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू।